बाबा जी गुरु घर दे विच बद्दुआवां नहीं देवियां लोकां नूं। असीं बेनतियां करन आए, तुसीं गुरुद्वारे खड़ के सानूं बद्दुआवां देई जांदे हो। In this video, you can see Patiala's SSP Mandeep Sidhu negotiating with men belonging to the Nihang sect to come out of the dera they are hiding in. This negotiation takes place after a horrific assault that has been caught on camera at Patiala's Sabzi Mandi, when five men of this sect refused to obey the curfew orders. Instead, they used their swords to chop off the hand of a police officer, Sub-Inspector Harjeet Singh. Patiala's top police officer tells us about the dramatic pre-Baisakhi operation to hunt down these men and catch the accused, flushing them out of this gurdwara. सिद्धू साहब, पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि हरजीत सिंह घर आ गए हैं, सर्जरी भी सक्सेसफुल हुई है। सबसे पहले बहुत से लोग हैं, देश बड़ा है हमारा, जो जानते नहीं कि एग्जैक्टली क्या हुआ, तो आप थोड़ा बताइए कि क्या हुआ। मैम, 12th अप्रैल को when he was like ASI Harjeet Singh with all the police officer there at duty जी. तो कुछ ऐसे आदमी जो सब्जी मंडी में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका कि जो जिसके पास पास है, बिकॉज क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का वो वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट, तो उनको अलाउड है जी. तो दे टुक ऑफेंस ऑफ दैट के नहीं, हाउ कैन यू स्टॉप अस। तो उसी में से आके दे बिकम अग्रेसिव, तो जो उनने निहंग सिंगों का जो अटायर जो उसके अपने वो पहन रखा था, तो वो उन लोगों ने दे बिकम अग्रेसिव और हमारी पुलिस पार्टी पर वो अपने कृपानों से और जो खंडा सा होता है उससे अटैक कर दिया। और सर, हरजीत ने बहुत बहादुरी दिखाई और जब उनका हैंड चॉप ऑफ हो गया उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारे, और आप बता रहे थे और मैंने भी पढ़ा कि कैसे उन्होंने अपना ही हाथ पकड़कर एक स्कूटर के पीछे बैठ गए। मैम, ये हरजीत सिंह जैसे उसकी बहादुरी, उसकी कामनेस, उसकी और डिस्पाइट ग्रेवेस्ट प्रोवोकेशन, उसका वहाँ स्टेबल रहना, मेंटली स्टेबल रहना, दैट्स लाइक एग्जांपल इन सिक्योरिटी फोर्सेस। जब उसका हाथ काट दिया तो ही मेंटेन्ड हिज कूल, तो वो किसी को बोल रहा है भी वो मेरा टुकड़ा वो पकड़ाना, टुकड़ा मीन्स के वो हाथ की बात कर रहा था, और उसने हाथ अपने खुद ही अपना कटा हुआ हाथ दूसरे हाथ में पकड़ के फिर वो बाहर आया। तो इसको जैसे लाइक जो पुलिस ऑफिसर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मतलब ऐसा वो काम कर दिया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा पुलिस ऑफिसर ग्रेवेस्ट प्रोवोकेशन में इतना काम और कूल रह सकता। एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर, पर ये एक बात बताइए, आपने बयान दिया कि ये थे तो निहंग के अटायर में, लेकिन ये एक्चुअली में गुंडे थे, एंड निहंग सेक्ट्स ऑल्सो डिसोन्ड देम। बिल्कुल, ये बिल्कुल ट्रू बात है। ये बहुत सारे जो निहंग सिंह जत्थेबंदियाँ हैं, उनने ये बोला है कि ये एक्चुअल में दे आर नॉट आर पीपल, बेसिकली निहंग बाने में रहते थे, इनका वे ऑफ लिविंग जो निहंग सिंहों जैसा था, बट इनके क्योंकि पीछे इनके जो इनका जो मुखी था बलविंदर सिंह, उसके ऊपर चार केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, चाहे वो चारे केसेस में बरी हो चुका, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ वो निहंग नहीं, ये गुंडा आंसर निहंग सिंहों के बाने में थे। सर, एक आपसे पूछूंगी, उसके बाद आपने एक ऑपरेशन लीड किया इनको पकड़ने के लिए, और जहां ये छुप के बैठे थे वहां से इनकी तरफ से फायरिंग भी हुई, उसके बारे में बताएं। मैम, जब वो यहां से दौड़ के चले गए, हमारी पुलिस पार्टी को फर्स्ट हमारा जो प्रायोरिटी था कि इनको शिफ्ट करना हॉस्पिटल में और उनका ट्रीटमेंट कराना, तो वो ट्रीटमेंट में के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट करने लगे बाकी ऑफिसर सारे, तो फिर ये दौड़ के इन मेन टाइम ये अपने वहाँ एक गुरुद्वारा साहब खिचड़ी साहब है उसी कम्प्लेक्स में ये रहते हैं, तो वहाँ जब पहुँच गए, तो वहाँ पहुँचने पर पुलिस पार्टी ने उसको चारों ओर से कॉर्डन ऑफ कर लिया। कॉर्डन ऑफ करके इनको हमारे जो प्रोसीजरल होता है, इनको बाहर से हमने अनाउंस किया कि आप बाहर आ जाओ, तो हम आपको पकड़ने के लिए आए हैं, बट इनके लिए ये बाहर आने से इन्हें मना कर दिया। फिर हमने लोकल जो पंचायत को इन्वॉल्व किया, वो पंचायत वाले आदमी भी वहाँ गए, वो उनने उनको दे ट्राई टू कन्विंस इट, बट वो बाहर आके बोलने लगे कि आप इनको जो करना है पकड़ना है तो ऑपरेशन वो शुरू कर दो, ये दे आर नॉट गोइंग टू कम आउट, वो ऐसे अपने आप बाहर नहीं आएंगे। फिर आपने कैसे कन्विंस किया? ये हमारे दो बातें थी, एक तो जो हमारे साथी कर्मचारी का एक बहादुर जवान का जो हाथ काट दिया गया था, दूसरा जो था नेक्स्ट डे
13 तारीख को वैसाखी थी, वैसाखी की रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। और एक और जो दुख की बात थी, जो खालसा पंथ का गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ साजा, वो वैसाखी वो उसी की इम्पोर्टेंस के, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए वो मनाई जाती है। तो ये नेक्स्ट डे जो 13 अप्रैल को वैसाखी का दिन भी आ रहा था, और वो हमारी जो बैड लक थी, जो गुरुद्वारा उसी कम्प्लेक्स में गुरुद्वारा भी था, हमें इनको भी पकड़ना था। हमारे मन में ये भी डर था भी कोई ऐसी चीज़ ना ये कर दें, गुरुद्वारा साहब को नुकसान ना कर दें, कि वो बाद में ऐसा प्रोजेक्ट होने लगे कि शायद पुलिस ने कोई गलती कर दी, जो गुरुद्वारा साहब का उसकी मर्यादा का कोई ऐसा नुकसान हो गया। दैट ऑनस वाज ऑन अस। फिर हमने इनको वो माइक पर लेके, जो मेगाफोन होते हैं हमारे, उसमें से हम वी कीप ऑन अनाउंसिंग, उसको अनाउंस किया कि आप बार आ जाओ, आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। पर ये अंदर से गालियाँ निकालने लगे, जब गालियाँ निकालने लगे आई वॉज देयर, तो मैं आई ट्राई टू कन्विंस दैम कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप रिलीजियस प्लेस में हो, आपसे तवक्को नहीं की जा सकती भी आप गालियाँ निकालो। ये अबाउट 1.5 आवर ये ऐसा ये हमारा चलता रहा। फिर बाद में नहीं माने तो फिर मैंने आई ट्राई टू कन्विंस दैम कि आप बाहर आ जाओ, मैं भी इधर से अकेला आता हूँ, तो हम बात करते हैं, बात करने से कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत करो, जो भी होया, जो गलती हुई है उसकी सज़ा मिलेगी, और कुछ नहीं कहेगा। बट दे आर नॉट इन मूड ऑफ दिस थिंग। बस फिर अंदर से जब हम अंदर जाने लगे तो फोर्स सारी थी। इन मीन टाइम हमारे जब मैसेज ऊपर फ्लैश हुआ, तो ऊपर से हमारे जो शार्प शूटर कमांडोज हैं वो उनने सर्कल कर लिया, और फोर्स भी आ गई थी। पर फोर्स का आने का वी आर नॉट रशिंग इन दैट बिल्डिंग, क्योंकि ऐसा ना लगे कि कोई गुरुद्वारा साहब पर अटैक कर गया। उनको भी पकड़ना था, और ऐसा भी नहीं इंप्रेशन जाना चाहिए था भी कोई गुरुद्वारे कोई ऐसी वी आर अटैकिंग सम रिलीजियस बिल्डिंग। तो फिर उसका रिस्क तो था, चांस तो इतना ही था भी अगर हम करेंगे अंदर जाएंगे तो हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, या उनका नुकसान ना हो जाए, या उनकी तरफ से कोई गुरुद्वारा साहब का नुकसान। बट यू मैनेज। बट वो बाद में गॉड इज़ काइंड इनफ के वो वी बिन एबल टू कैच होल्ड ऑफ दैट। फैंटास्टिक, बिकॉज सच अ डेलिकेट ऑपरेशन। एक आपसे मैं पूछूंगी कि हरजीत ने उस समय कुछ एक काम तो वो बहुत कामनेस ऑफ माइंड दिखाई, लेकिन उनको फिक्र था कि उनके पास अपने ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं। मैम दैट्स वेरी ट्रू। जब इसका हुआ, हाथ कटा गया, हॉस्पिटल में था, तो इमिडिएटली आई रश टू द हॉस्पिटल। तो मेरी बात हुई हरजीत से, मैं कहा हरजीत ठीक हो आप? तो ही सेड के मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, आपका हाथ जुड़ जाएगा, हमारे जो DG पंजाब है उनने PGI में वो टाई अप कर लिया। वो कहता ठीक है सर। तो मैं जब साइड में जाने लगा तो उसने दोबारा फिर मुझे कॉल किया, कहता सर मैंने सोचा भी ये अपनी पेन के बारे में बताएगा, ये अपनी तकलीफ़ के बारे में बताएगा। तो वो कहता सर मेरी जेब में इतने पैसे नहीं हैं, वहाँ इलाज में ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, तो कोई ऐसा इंतजाम कर देना पैसों का जो वहाँ फीस देनी पड़े तो उस पैसे का इंतजाम हो जाए। तो मैंने सोचा नहीं, ये आपका हाथ नहीं काटा, क्योंकि ये सारी ये एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का जो हाथ काटा है, तो यू डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। दुख की बात ये थी भी जो हाथ लोगों की सेवा के काम आ रहा है, जो दुखियों का काम आ रहा है, जो लोगों को अपनी ड्यूटी सुबह 4 बजे से, हमारा ये दिमाग नहीं खराब के सुबह 4 बजे 3 बजे वो उठते हैं, तो 4 बजे अपनी सब्जी मंडी की ड्यूटी दे रहे हैं, फिर कर्फ्यू को कर रहे हैं, फिर दूसरी बहुत सारी चीज़ें उनको मेंटेन कर रहे हैं। वो जो हाथ लोगों के काम आ रहा था, दुखियों के काम आ रहा था, उस हाथ को काट दिया। तो मेरे लिए भी शॉकिंग था, पर सलूट टू आर सोल्जर जो उसने काम और कूल मेंटेन करते हुए, कहता सर कोई बात नहीं, बस वो मैं ठीक हो जाऊंगा, वो ही बस। सैल्यूट्स टू हिम एंड टू ऑल ऑफ यू एंड फॉर नैबिंग द कल्प्रिट्स इन दिस। पंजाब हैज सीन बैड ईयर्स एंड नन ऑफ अस वांट दोज ईयर्स टू कम बैक। आपको तो खुद ही याद है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी मैम, वो लॉन्ग बैक इन 90s आई वॉज इन अमृतसर, आई बिन लाइक इंजर्ड इन वन ऑफ द एनकाउंटर, स्टिल गॉट मैनी पैलेट्स इन माई बॉडी। तो मुझे याद है वो दिन, वो जब निहंग सिंह जो गुरुद्वारा साहब में कर रहे थे, तो मुझे वो ही सीन याद आ रहा था भी कुछ शरारती अंसर, कुछ भी चीज़ होती है उसको ऐसे प्रोजेक्ट करने या अपने हक में यूज़ करने के लिए कर सकते हैं, तो ऐसा ना कोई मामला हो जाए कि इस दिन वैसाखी वाले दिन वो हमारे मेमरीज वापस आ जाएँ, और कुछ शरारती आदमियों के लिए लाइक ए डिस्ट्रिक्ट चीफ, मेरे पर दो ओनर्स थे, एक मेरे साथी का, मेरे जैसे साथी नहीं कहता मैं, मेरी फैमिली मेंबर का एक हाथ कट गया था, और दूसरी चैलेंज थी गुंडों को करना। सर वी कंग्रेचुलेट यू, वी अंडरस्टैंड दैट पंजाब हैज बीन स्कार्ड इन द पास्ट बाय वायलेंस। यू हर्ड फ्रॉम द SSP सिद्धू देयर अबाउट दिस ब्रेव पुलिस ऑफिसर एंड ऑल्सो द डेलिकेट ऑपरेशन
operation after that on the eve of Baisakhi to catch those who, as SSP Sidhu says, were dressed in the attire of the Nihang sect, but really were gundas and can be called nothing else. In fact, even gundas may be too polite a word for these men.